हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको दिखाऊंगी दीक्षा भूमि। दीक्षा भूमि पर क्या क्या स्टॉल्स लगे हुए हैं, और आज है दशहरे के पहले का दिन, तो मैं एक दिन पहले ही यहाँ पर आई हूँ। और आज मीन्स कल यहाँ पर बहुत ही बड़ी जो सम्राट अशोका की मूर्ति आने वाली है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा एंड तक। सम्राट अशोका की मूर्ति है जो श्रीलंका से आई हुई है, और ये ऐसे घूम घूम कर जैसे साउथ से ऐसे हमारे यहाँ पर आई हुई है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैप लगा हुआ है, और मैप सभी जगह पे लगे हुए हैं कि आप इसे अंदर कैसे आ सकते हैं। इस तरह से मीन्स आप मेट्रो से भी आ सकते हैं। और इसमें क्या है, चार गेट बने हुए हैं दीक्षा भूमि में, तो कौन से इससे एंट्री रहेगी ये सभी इसमें दिखाया हुआ है। तो चलिए अभी हम करते हैं दीक्षा भूमि में एंट्री। तो ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 67वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिन महोत्सव। तो ये है 67 ईयर्स हो गए हैं बाबा साहब ने दीक्षा देकर। तो हर समय 14 अक्टूबर को भी यहाँ पर बहुत संख्या में लोग आते हैं, दीक्षा लेने के लिए भी आते हैं बहुत से लोग। तो 14 अक्टूबर को भी यहाँ पर बहुत बड़ा मेला जैसे ही हो जाता है, और फिर दशहरे के दिन भी यहाँ पर बहुत संख्या में लोग आते हैं। तो यहाँ पर बाबा साहब ने दीक्षा दी थी 1956 में दी थी, उसी दिन 14 अक्टूबर था और उसी दिन विजयादशमी थी, दशहरा का दिन था, इसीलिए यहाँ पर दशहरे के दिन भी लोग आते हैं। तभी से यहाँ पर लाखों संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं बाबा साहब को वंदन करने के लिए। और आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि पूरा प्रोटेक्शन है, पुलिस फोर्स है, और बाहर भी पुलिस फोर्स लगी हुई है। तो सब कुछ मीन्स यहाँ पर बहुत ही प्रोटेक्शन में होता है, मूविंग कैमराज लगे हुए हैं। तो चलिए, और यहाँ पर जो आगे एक दिख रहा है ना बड़ा सा बिल्डिंग, तो वो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉलेज। यहाँ पर हम भी तो आए हैं ना बैंगलोर से बाबा साहब को वंदन करने, और आप भी मेरे वीडियो के थ्रू वंदन कर सकते हैं। तो हम पहले अंदर गए थे, लेकिन वहाँ से अंदर जाने का रास्ता नहीं था, तो फिर बाहर आए हैं। और ये देखिए, यहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन लगा हुआ है, इतना सारा पुलिस प्रोटेक्शन दिया है, लेकिन जो क्लीनिंग का है ना, वो बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो नहीं लगा। क्योंकि ये जैसे पानी के जो नल दिए हुए हैं, तो वो भी खुले में रखे हैं, उसके नीचे पानी जाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पे पूरा कीचड़ जैसे हो जाएगा, तो वो थोड़ा गंदगी जैसे लगता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा और जो सुविधाएं है वो बढ़ानी चाहिए। ये देखिए, ये है इसका मेन एंट्रेंस, तो यहाँ से एंट्री है। और ये देखिए, सारे जो वॉलेंटियर्स है वो भी यहाँ पर है, वो कॉलेज के बच्चे होते हैं, वो खुद से यहाँ पर वॉलेंटियर करते हैं। तो ये देखिए, ये है मेन एंट्रेंस। और आपको मैं लास्ट ईयर भी लेकर आई थी, पर लास्ट ईयर रात का समय था, हम लोग रात के टाइम पे आए थे, तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर लाइटिंग्स, और अभी भी लाइटिंग्स लगी हुई है, लेकिन रात में अच्छे से लाइटिंग्स लगती है, अभी दोपहर में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो चलिए अंदर चलते हैं। अंदर इस तरह से मैं आपको बहुत ही नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि रश है, और यहाँ पर इतना अलाउ भी नहीं है। उन्होंने बोला है मूव करते हुए आप वीडियो बना सकते हैं, तो अगर आपको डिटेल में देखना है, तो मेरा वीडियो है, मैं उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तो उससे आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। फिर भी ये देखिए, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर दिख रहा है, तो आप यहीं से वंदन कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा वंदन हो चुका है, अभी हम चलते हैं बाहर। तो बाहर यहाँ पर बुक्स के स्टॉल्स लगे हुए हैं, ये तो रोड साइड है, और अंदर में बुक्स के लिए अलग से जगह दी हुई है। तो यहाँ पर मैंने आपको लास्ट ईयर भी बताया था, लास्ट ईयर के वीडियो में, कि बहुत यहाँ पर सबसे ज़्यादा बुक्स यहाँ पर सेल होती है दशहरे के टाइम पे और 14 अक्टूबर के टाइम पे। तो आप यहाँ से ले सकते हैं, बुक्स ले सकते हैं, गौतम बुद्ध और बाबा साहब की प्रतिमाएं हैं, बहुत कुछ है यहाँ पर, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अरे
एक प्यारा इगलावर एक चौहार चलावर पर ये जो पेंटिंग्स रखी हुई है ये आपको जैसे भी चाहिए जिस कलर में चाहिए उस तरह से यहाँ पर बना कर देते हैं। और ये इनका नंबर है, तो आपको नंबर प्लेट नेम प्लेट चाहिए है तो वो भी यहाँ पर आपको जैसे चाहिए वैसे बना कर देते हैं। एक अच्छा भाजा गया मैं फ्लावर बटाटा गाजर घेतला तू पनीर मशरूम बटाटा गाजर मुळा कारला वांगा बीन चौड़ी काय पण कुठलाही कच्चा भाजा मटण सोडून सगळं काही कच्चं घ्यायचं कच्च्याच्या नुटून भाजीला कवर करेल एवढा मसाला टाका जास्त लागत नाही थोडं थोडं वापरायचं भाज्या जास्त आणि मसाला कमी घ्यायचा थोडं पाणी टाका घट्ट बॅटर लावून 10-15 मिनटं मॅरिनेट करायचं मग डीप फ्राय करा शॅलो फ्राय करा बेक करा इंस्टेंट रेडी। देखिए ये है सम्राट अशोका की मूर्ति और ये 10 फीट की है और ये आई है श्रीलंका से, श्रीलंका से गिफ्ट दिया हुआ है तो ये बहुत ही बड़ी मूर्ति है। यहाँ पर हमने ये इंस्टेंट रेडी मिक्स भी लिया है और बहुत कुछ है यहाँ पर लेने के लिए, फ्रेम्स है, फ़ोटोज़ है, सब कुछ आप यहाँ पर ख़रीद सकते हैं। तो आपको आज का हमारा ये व्लॉग कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स और रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखिए।